अभी जिनके पास नहीं उनको मिल जाएगा, बोल दो बहुत अच्छी स्टोरी थी। जब मेरे पास आई थी उन्होंने मुझे बोला था करके टच का फोन, मैंने बोला ये टच का फोन इज क्वाइट ट्रेंडिंग, आजकल सबके पास ये फोन होता है और रील्स आजकल सब लोग ज्यादा से, गाना बहुत कैची गाना है, सो ये सोचकर मैंने ये इनपुट अपना डाला करके कि आई वांट टू डू द सॉन्ग एंड आई वांट टू मेक इट करके इंस्टाग्राम ऑन द नेक्स्ट लेवल, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, सारे इंटरनेट पे धूम मचा दूंगी। सो या अब आपका काम है करके कि ये गाने को ग्लोबल ही धूम मचाना है, सो प्लीज प्लीज शावर योर लव टू आवर सॉन्ग एंड जितना भी हम सब ने मेहनत की है, प्लीज प्लीज मेक लॉट ऑफ रील्स वीडियोज एंड शावर योर लव विद and your blessings. Thank you very much guys. 8 hours में जैसे आपने शूट किया, तो शूटिंग के वक्त का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे अपने कॉलीग के साथ? मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं लाइफ में एंड दिस वॉज अ म्यूजिक वीडियो एंड इट हैड अ इम्पैक्ट ऑफ अ टच ऑफ आइटम नंबर इन इट, सो मेरे लिए बहुत इंथुजियास्टिक था करके कि ये म्यूजिक वीडियो होने वाला है एंड इट विल बी रीचिंग, बिकॉज मूवीज करते हैं तो कुछ कुछ नहीं दिखते बट म्यूजिक वीडियो आजकल ओवरऑल ग्लोबली लोगों के पास पहुंचता है, सो या दिस वाज वन ऑफ माय थिंग आल्सो करके एंड शूटिंग करने के टाइम पे जो जो मुझे बॉब और पवन बोलते जा रहे थे करके हीना मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये फील चाहिए, मैंने सिर्फ अपने आप को वो जगह पर खड़े होकर वो फील देने की कोशिश की है, मैंने ये नहीं सोचा करके कि मैं अपना खुद दिखाऊँ, बिकॉज एक क्रिएशन होता है, एक उसका दिमाग होता है, हम एक्टर्स हैं, हमको वही करना होता है जो उनकी थिंकिंग है, जब हम हमारा खुद का करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग अप एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और आई डोंट नो आई लव डांसिंग टू द कोर्ट, मतलब मुझे इतना डांसिंग पसंद है कि मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, तो जब उन्होंने एक्सप्रेशंस बोले तो इट जस्ट केम आउट इनसाइडली, और जब मैं काम करती हूँ ना मुझे वो काम करना ही पसंद है, आई थिंक सो मुझे लाइफ में काम करना ज़्यादा पसंद है, सो या इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉब पवन एंड जो हमारे डायरेक्टर थे, जो फाइनेंसर थे, जो भी थे उन्होंने इतना फैमिली बॉन्ड दिया है, मतलब वो मुझे लगा नहीं कि मैं काम करने जा रही थी, इट वॉज लाइक हीना यार तेरा गाना है तू कर ले यार, बिंदास कर ले, तू सोच मत, तू इतना भी सोच मत, मैं आई एम एक्चुअली लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी लाइक क्या बोलते हैं करके एक सोफिस्टिकेटेड, आई एम अ वेरी बिंदास एंड अ वेरी आउटवर्ड पर्सन एंड वेरी बोल्ड इन माय वे, सो या आई पुट इट माय 100% इनटू इट एंड दिस इज हाउ वी गॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर सॉन्ग टच का फोन दिला दे। इतना मतलब मुश्किल होता है गाने इतना जल्दी शूट होना, इतना बढ़िया बनना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, राइट? कैसा लगा? जैसे आपने कहा इट्स नॉट ए इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा मिलता है, सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में से मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है, आई जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा, जैसे अब्राम भी अपने लाइफ में आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है, सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है, तो वो चाह के वजह से आज जो आपको लविशिंग और ब्यूटिफुल आउटस्टैंडिंग चीज़ें लगे वो सब मेहनत के बलबूते पे है, सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया नहीं, आई मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना, टच का फोन इज वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है, सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मायने है लाइफ में, सब कुछ लाइफ में इनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है एंड तो या ये चीज़ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हीना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ, सो या मैंने वो भी सोचा, आई लाइक मैं जेन्यूनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सोच होती है इंसान को कोई काम करने से पहले, या सो या दैट्स द रीजन आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ। पूरे गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना तो ऑल थैंक्स टू अब्राम, हम लोग तो सिर्फ डांस 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 कर रहे थे बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था, सो या वी हैड अ ग्रेट फन एंड दैट 8 hours, वो लगा भी नहीं हम लोगों के गाना खत्म भी कर दिया, मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कितना स्लॉग करना पड़ता है, बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग, एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है, सो दैट वॉज द इम्पैक्ट। अभी फिलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीज़ें बहुत बैक हैंड पे है, सो फिर अभी फिलहाल जितना जैसे रिलीज होगी वो आपको पता चलते जाएगा, और मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम टच के फोन के बारे में ज़्यादा बात करें वो बात
क्योंकि अभी फिलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूँ. पवन एंड मी यूज टू बी टुगेदर. मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर. सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे. सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोग को जानती हूँ. सो इट वाज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो जो साथ में काम करते हैं वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कम्फर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कम्फर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज़्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं. तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है. सो मुझे वो फीलिंग था. तो इट वॉज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल.